वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। वीडियो शुरू करने से पहले आज मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्लो सीरम एक टाइप का स्किन केयर प्रोडक्ट है। इसके पहले भी मैंने दो सीरम रेसिपी शेयर किए, एक एंटी एजिंग और एक स्किन वाइटनिंग सीरम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्लो सीरम बनाने का तरीका दिखाऊंगी, जो ना सिर्फ आपके चेहरे को ग्लोइंग और ब्राइट बनाएगा, बट इसके यूज से आपका चेहरा ओवरऑल हेल्दी बन जाएगा। आजकल बाजार में बहुत सारे सीरम्स आने लगे हैं फेस के लिए, बट वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इससे अच्छा है कि आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से घर पे ही अगर सीरम बना सके तो इससे बेहतर। और इस सीरम को बनाने के लिए हमें हार्डली कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जो आई एम श्योर कि आपके घर पे ऑलरेडी होगा। सीरम्स फेस मॉइस्चराइजर से बिल्कुल अलग है। इसको यूज करने के लिए हमें बस कुछ बूंदे लेने होते हैं इसके, एंड देन उसे फेस पे लगा लेना होता है। एक और खास बात इसकी ये होती है कि सीरम्स हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। प्लस ये आपके स्किन को सन डैमेज और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से भी सेव करता है। अब आइए देखते हैं कि सीरम को इजीली आप घर पे कैसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल लिया है पतंजलि का। अगर आपके घर में पौधा है एलोवेरा का तो आप वहां से भी जेल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोर बॉट एलोवेरा जेल यूज करते हैं तो सीरम की शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। ये आपके फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो लाके देता है। प्लस ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके चेहरे के एक्सेस ऑयल को निकाल फेंकता है। अगला इस सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गुलाब जल। इस सीरम में गुलाब जल बेस की तरह एक्ट करता है, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद एक अच्छी सी सीरम कंसिस्टेंसी आ जाती है। लास्ट इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, बट ये सीरम इतना ज्यादा ऑयली नहीं होता है फेस पे, तो आप ये यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि ग्लिसरीन से हमारी स्किन बहुत अच्छे से नरिश और मॉइस्चराइज हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि सीरम को बनाना कैसे है। एक क्लीन बोल और स्पून ले लें और सबसे पहले उसमें आधा छोटा चम्मच एलोवेरा जेल के डालें। अब 3 छोटे चम्मच इसमें गुलाब जल के डालें और फिर मिक्स करें इसे जब तक दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दें और फिर अच्छे से मिक्स कर ले। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लास्टली इसमें आधा छोटा चम्मच ग्लिसरीन मिला ले और एक फाइनल मिक्स दे दे अच्छे से। आपका ग्लो सीरम बन के बिल्कुल तैयार है। इस सीरम को आप 10 डेज तक एटलीस्ट स्टोर कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे डेली यूज करें। इससे आपकी स्किन बिल्कुल यूथफुल और रेडिएंट लगने लगेगी। एलोवेरा में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज है, तो इसीलिए आप इससे गोरी त्वचा भी पालेंगे। इसको आप रात में लगाएं और रोज रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लेंज करें एक कॉटन बॉल और रोज वाटर या कोई और क्लेंजर की मदद से। इसके बाद थोड़ी सी ग्लो सीरम लेके अपने फेस और नेक पे उसे लगाएं। यहाँ पे मैं अपने हाथ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह जेंटली मसाज करें थोड़ी देर तक और ओवरनाइट इसे ऐसे ही रहने दें और सुबह वॉश कर लें। इस ग्लो सीरम को कोई भी क्लीन और एम्प्टी कंटेनर में फिर स्टोर करके रख लें। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस।